नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, पिछली कड़ी में अपन ने मालदेव के बारे में पढ़ रहे थे और मालदेव ने उदयपुर महाराणा की सहायता भी की थी, और इस किस्से में पढ़ेंगे कि उदयपुर महाराणा की सहायता करने के बाद भी मेवाड़ जैसे प्रशासन के खिलाफ मालदेव ने अपनी सेना क्यों भेजी, ऐसा क्या हो गया था। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के ऐसे किस्से चलते रहेंगे। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए नए नए किस्से। झाला सज्जा का पुत्र जैत सिंह, जो कि किसी कारण से उदयपुर की जागीर का परित्याग करके जोधपुर के राव मालदेव के पास चला आया, जिसे मालदेव ने खैरवा का पट्टा दिया और खैरवा गांव उसकी जागीर बनी। जैत सिंह ने अपनी पुत्री स्वरूप देवी का विवाह मालदेव से कर दिया था और मालदेव खुश था। एक दिन मालदेव अपनी ससुराल खैरवा गया हुआ था, जो कि विवाह के उपरांत की बात थी, जहां स्वरूप देवी की छोटी बहन को अत्यंत रूपवती देखकर, अर्थात मालदेव की साली को बहुत रूपवती देखकर, मालदेव ने अपने ससुर जैत सिंह से आग्रह किया कि उसका विवाह भी उसके साथ कर दिया जाए, परंतु जैत सिंह ने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तब मालदेव ने कहा कि मैं राजा हूँ और जोधपुर का राजा हूँ, मैं इससे विवाह अवश्य करूँगा। इस प्रकार अधिक दबाने पर जैत सिंह ने कहा कि मैं अभी तो नहीं कर सकता, अभी विवाह करने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन मैं 2 महीने बाद इसका विवाह आपके साथ कर दूँगा। अब मालदेव जी वापस जोधपुर लौट गए और जोधपुर लौटने के बाद में जैत सिंह ने उदयपुर महाराणा उदय सिंह के पास एक पत्र भेजकर अपनी पुत्री से विवाह करने के लिए कहलवाया। महाराणा के पास जब ये ऑफर गया तो महाराणा ने स्वीकार किया, और महाराणा ने स्वीकार करने के बाद जैत सिंह अपनी छोटी पुत्री और अन्य घर वालों को लेकर कुंभलगढ़ के पास, कुंभलगढ़ जो कि मेवाड़ राजघराने का एक प्रमुख गढ़ था, और कुंभलगढ़ के पास गुड्ढा नामक गाँव में जैत सिंह अपने परिवार के साथ जा रहा। स्वरूप देवी ने उस समय जो खैरवा में थी, अपनी बहन को विदा करते समय, अर्थात बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को विदा करते समय दहेज में गहने देना चाह रही थी, परंतु गलती से गहनों के डिब्बे के बदले राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति वाला डिब्बा अपनी छोटी बहन को दे दिया। अब उधर महाराणा ने कुंभलगढ़ से उसी गाँव में पहुँच कर उस जैत सिंह की पुत्री से विवाह कर लिया और वापस उदयपुर आ गए। उदयपुर आने के बाद दोस्तों, जब वो डिब्बा खोला गया तो उसमें नागणेची माता की मूर्ति निकली, न कि गहने। जब ये मूर्ति निकली तो महाराणा ने उस मूर्ति को अपने पूजन में रखा, और तभी से ये रीत चली आ रही है कि उस नागणेची माता की मूर्ति की साल में 2 बार, अर्थात भादवा शुद्धि सातम और माँ शुद्धि सातम को विशेष रूप से पूजा करने का रिवाज चला आता है। इस घटना का पता चलने के बाद जोधपुर नरेश, जो कि मालदेव राठौड़ थे, उसने राठौड़ पंचाण करम सिहोत, राठौड़ बीदा, भारमलोद बालावत आदि अपने कई प्रतिष्ठित सरदारों के साथ कुंभलमेर विजय करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। अर्थात मालदेव को पता चल चुका था कि शादी महाराणा उदय सिंह ने कर ली, और जिस लड़की से शादी मालदेव करना चाहते थे वो लड़की उदयपुर राजघराने की बहू बन चुकी है। इसके बाद जैसे ही पता चला, मालदेव ने सोचा कि जैत सिंह ने हमारे साथ धोखा कर दिया, और जैत सिंह ने कुंभलगढ़ की तरफ सेना भेज दी, और महाराणा ने भी मुकाबला करने के लिए सेना भेजी। दोनों तरफ से ज़बरदस्त लड़ाई हुई, दोनों तरफ के कई सरदार मारे गए, लेकिन मालदेव की सेना को इस युद्ध के अंदर सफलता नहीं मिली, और इस प्रकार मालदेव की सेना को हार का सामना करना पड़ा, और महाराणा उदय सिंह ने इस प्रकार जैत सिंह की पुत्री से शादी की, और इसी कारण उदयपुर राज दरबार, जो कि मेवाड़ राज दरबार है, उसके अंदर राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता की साल में 2 बार पूजा होती चली आ रही है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे किस्से कैसे लगे आपको? अगर ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।